अधिकार विकास पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। कोराव प्रयागराज कोराव विधानसभा बरौहा ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में रखी हुई कार्यकर्ताओं की मीटिंग अधिकार विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में उनके द्वारा यह कहा गया कि पूरे प्रदेश में पार्टी के द्वारा 2022 में विधानसभा स्तरीय 150 सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ेगी। इस समय क्षेत्र में बढ़ते इस किसानों के संग दुराचार किया जा रहा है। यह सूबे की सरकार बहुत ही अत्यधिक परेशान कर बैठे किसानों को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की नीतियों के बारे में रूबरू कराए। कार्यकर्ताओं से यूपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभा शंकर त्रिपाठी के द्वारा यह कहा गया कि अपने पार्टी के प्रति पूर्ण तरीके से तैयारियां ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही हैं। संगठनों का विस्तार हो रहा है जिससे 2022 में चुनाव लड़ सके। अपने पार्टी के द्वारा सचिव अशोक कुमार शुक्ल के द्वारा यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर क्षेत्र में ग्राम स्तर, बूथ स्तर, मंडल स्तर पर कार्यकर्ता संगठन में जुड़ रहे हैं। इन्हीं के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी विश्वास त्रिपाठी को बनाया गया। 52 व्यक्ति सदस्यता ग्रहण किए, क्षेत्र के काफी लोग मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए गिरीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सर देखिए, जो है कि हमारे बरौहा ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर मूल रूप से अधिकार विकास पार्टी प्रयागराज जिला के स्तरीय बैठक में सारे कार्यकर्ताओं को तटस्थ की है कि आप लोग जो है 2022 का चुनाव जोर तोर से तैयारी करें, इसमें लड़ेंगे। जिसमें मूल रूप से जो है आपके मेजा तहसील में, आपके कुराव तहसील में, आपके कर्छना और प्रयागराज के जो है लगभग पांचों सीट पर लड़ाई जाएगी आपके जो है अधिकार विकास पार्टी विधानसभा चुनाव 2022। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से इस पे जो है तैयारी की जा रही है। सर जो है हर ग्राम पंचायत में यह कार्यक्रम चालू हो चुका है और आज तो जो है आज करीब एक वर्ष पहले जो है कुराव क्षेत्र में भी इसके लिए तटस्थ किया गया था, बताया गया था और कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कुराव क्षेत्र के कुराव ब्लॉक के भी जो है कार्यकर्ता इसमें विशेष रूप से जुड़ करके अधिकार विकास पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा परिचय है उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष प्रभा शंकर तिवारी। जो वर्तमान की हालात है उत्तर प्रदेश की, वो निश्चित रूप से अराजकता का है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, बलात्कार में उत्तर प्रदेश एक नंबर में है। फर्जी मुकदमों में भी उत्तर प्रदेश एक नंबर में है। सच पूछिए तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का भी दमन चल रहा है, जिसकी रक्षा करने में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम है। उत्तर प्रदेश में अभी 84 पत्रकारों के खिलाफ भी फर्जी एसटीएससी के मुकदमे लगाए गए हैं, जिनकी आवाज़ भी अधिकार विकास पार्टी ने उठाया है। फर्जी एनकाउंटर करीब 70% उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। बड़े बड़े अपराधी आतंकवादी उत्तर प्रदेश में शरण दिया जा रहा है, लेकिन एक गांव का किसान छोटे से मुकदमे में अगर फंसा है तो उसका सीधा सीधा एनकाउंटर किया जाता है। तो हत्या, लूट, अपहरण, किसानों के साथ जो भेदभाव चल रहा है, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश के खिलाफ हमारी पार्टी गांव-गांव संपर्क करके जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है और इसके खिलाफ हम 2022 में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को 150 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी हमारा करीब लगभग 70 जिलों में कंप्लीट है। साल भर का समय है, बड़ी तेजी के साथ सामाजिक संगठन भी जुड़ रहे हैं, समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं और प्रबुद्ध लोग भी जुड़ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव आते आते हमारी तैयारी पूरी है। पूर्ण रूप से सभी रणनीति बनाई जा चुकी है और चुनाव के समय हम 150 सीटों पर रहेंगे। सर आपका परिचय? योगेंद्र प्रसाद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
अधिकार विकास पार्टी की नीति जो है बहुत अच्छी हमको लगी, और हमारे जो ग्राम पंचायत के लोग आए हैं संभ्रांति लोग सभी को अच्छी लगी। और अधिकार विकास पार्टी जो रूप लिया है इस समय, यदि इसी ढंग से चलती रहेगी तो किसानों का और हम सब का कल्याण होगा देश का। और इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। सर आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत बरौहा का ग्राम प्रधान सिया राम शुक्ल। मुद्दे तमाम, सामाजिक मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, सब मुद्दे तो सारे पड़े हुए हैं। ऐसा है कि किसानों को जिस तरह बर्बरता के साथ पीटा गया, आज कितने किसान वहाँ गोली मारे गए, और किसानों के हित की बात होती तो वापस क्यों ना ले लेते। जब किसान के हित की बात आएगी तो किसान वापस ले लेंगे। सर आपका परिचय? अशोक कुमार शुक्ला।